बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही सिंपल सी मटन कढ़ाई की रेसिपी, और एक दफ़ा आप ट्राई करेंगे इंशाल्लाह ताला यू विल लव दिस। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन लिया है 1.5 किलो के राउंड अबाउट मटन, और इसमें मैं ऐड करने जा रही हूँ तकरीबन 2 बिग साइज़ के जो हैं वो मैंने यहाँ पे प्याज लिए थे और उनको मैंने चॉप कर लिया था, और चॉप करने के बाद मैं इनमें 2 बिग साइज़ अनियन ऐड कर रही हूँ। और इसके साथ साथ मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून ऑफ जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट। ये मेरा जो है वो होममेड जिंजर गार्लिक पेस्ट है। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप जो मार्केट से अवेलेबल होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं, बट मोस्टली मैं प्रेफर करती हूँ कि फ़्रेश चीज़ें ही यूज़ करूँ। और इसके साथ साथ मैंने तकरीबन 2 बिग साइज़ टमाटर इसके अंदर ऐड करके मिक्स कर दिया है, और यहाँ पे अब मैं इसमें वाटर ऐड करूँगी। ये तकरीबन मैंने यहाँ पे एक मग के मतलब दिस इज़ 1 कप 1.5 कप के तकरीबन मैंने इसमें पानी ऐड किया है, और इसको मैं मिक्स करूँगी। लेटर ऑन मैं इसमें जो स्पाइसेस ऐड करूँगी दैट इज़ आल्सो सिंपल, हमारे पास जो घर में अवेलेबल होती है। तो तमाम मसाले जो हमें यूज़ करेंगे वो घर पे अवेलेबल होते हैं वही होंगे। तो यहाँ पे जो है मैं सबसे पहले इसमें जो है वो टर्मेरिक यानी कि हल्दी ऐड कर रही हूँ, दैट इज़ तकरीबन 1 टीस्पून के राउंड अबाउट है। और इसके साथ साथ मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ रेड चिली, दैट इज़ जो कि मैंने तकरीबन 2 चाय के चम्मच या फिर अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट अपने जायके के मुताबिक आप ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने तकरीबन 1.5 टीस्पून जो है वो इसमें सॉल्ट ऐड किया है, तो इसको ऐड करके तो मैं मिक्स कर दूंगी और इसको मैं थोड़ी देर के लिए पकने दूंगी। इसका लेड जो है वो इसके ऊपर रखना मत भूलिएगा। तो इसको थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। आफ्टर 20 मिनट्स जो है वो इसका पानी जो है वो काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है, लेकिन अभी भी इसके अंदर थोड़ा पानी आप देख सकते हैं कि है। तो एट दिस पॉइंट बहुत माइनर सा पानी है, तो इसको हम जब हम सौते करेंगे जब हम इसको भून लेंगे तो उस टाइम पे हम जो है वो ये पानी जो है वो ड्राई हो जाएगा। सो यहाँ पर जो है वो मैंने इसको अच्छे तरीके से तकरीबन मैंने इसमें 1/2 कप जो है वो ऑयल ऐड किया है, और इसको मैं जो है वो भूनूंगी और थोड़ा इसके अंदर जो टमाटर हैं वो भी इसको थोड़ा टाइम लगेगा गल जाने में, तो उसके लिए मैं इसको अगेन इसका लिड इसके ऊपर रख कर तकरीबन 5 मिनट के लिए इसको पकने दूंगी। एंड आफ्टर 5 मिनट यू कैन सी द सिचुएशन, तो यहाँ पर जो है वो पानी इसका टोटली ड्राई हो चुका है एंड आवर डिश इज़ रेडी, बट स्टिल देयर इज़ समथिंग मिसिंग। तो इसको हम थोड़ा सा और पकाएंगे, और पकाने के बाद जो है वो मैं इसमें थोड़ा ब्लैक पेपर ऐड कर दूंगी, इसके साथ साथ गरम मसाला ऐड करूंगी, इसके अलावा इसको मैं थोड़ा गार्निश करूंगी कोरिएंडर के साथ और ग्रीन चिलीज़ के साथ चॉप करके, तो दैट विल गिव रियली अमेजिंग रिजल्ट। और इंशाल्लाह ताला आपको भी ये जो है वो रेसिपी बहुत पसंद आएगी, सिंपल एंड इजी टू मेक है, और ट्राई करना मत भूलिएगा। एंड बहुत ही आसान और सिंपल रेसिपी है, कोई इसके अंदर मसाले मैंने नहीं ऐड किए हैं। आई होप कि आपको रेसिपी अच्छी लगी हो। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो